ये जो वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरीके के लड़के होते हैं, एक जो गुड इन बेड होते हैं और दूसरे जो गुड इन लव होते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ अमर और आज मैं लड़कियों से पूछने वाला हूँ उन्हें किस तरह के लड़के पसंद है। तो चलो जानते हैं दिल्ली की लड़की की पसंद। आ जाओ जानते हैं, आ जाओ आ जाओ। तो ये डिसाइड कर लो कि तुम क्या हो, गुड इन बेड कि गुड इन लव। आओ। शॉर्ट गाइज और टॉल गाइज एंड व्हाई? टॉल गाइज। व्हाई? Because my guy is tall and he looks hot. Tall guy. Any specific reason? Tall guys look hot. या तो मेरे बराबर का या मुझसे मेरे height से बड़ा। Tall. कितना लंबा हो आपसे? अच्छा खासा लंबा। अच्छा खासा लंबा। Because I am very short. लंबा, but ऐसा कुछ specific नहीं है, पर छोटा नहीं। आप कितने हो? 5'1", 5'2" around. अच्छा तो 5'3", 5'4" चलेगा? हाँ. Not too tall. कितना tall तक चलेगा? 5'8", 5'9". मतलब 5'8", 5'9" होना चाहिए? 5'7", 5'9". Minimum क्या है? 5'7" और मैक्सिमम 5'9". अच्छा, ये तो मतलब 3 इंच के बीच में कोई लड़के घूम रहे हैं। 5'7" से 5'9", 5'10" तक भी गया तो एलिजिबल नहीं है वो। See, I am tall, so I would prefer. बड़ी जल्दी बोला, I am tall. हाँ तो why will I like go someone who's like shorter than me? But बिल्कुल भी छोटा नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मेरे जितना हो। कितने हो आप? 5'8" or something. कह रही है मुझे अपने से लंबा चाहिए, जिसके साथ घूम रही है वो अपने से छोटा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। A tall guy. कितना tall? I'm not that short, so I maybe of your height. मेरी height तक, but अपने से छोटा, जैसे मैंने बहुत लड़के से पूछा, किसी ने भी short नहीं बोला है, तो अपने से छोटा? अपने से छोटा बिल्कुल नहीं चलता। If he is Nick Jonas, then I can. आप हमसे हमारी ज़िंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। Short guy और a tall guy. वो बड़ी जल्दी टॉल था। कितना टॉल अपने से मतलब? 6 क्योंकि आई एम 5'6" नो, तो इतना 5'6" या तो आई नीड एट लीस्ट 6। अच्छा, वो तुमसे छोटा है? नहीं नहीं, मुझसे छोटा नहीं है, बट छोटा नहीं चलेगा। बट अपने आई एम द टॉल फ्रेंड इन एवरी ग्रुप। अच्छा, आई जस्ट कांट बी अ टॉल पर्सन इन एवरी इक्वेशन आई हैव इन माय लाइफ। दैट्स फॉर गर्ल्स। आई वांट टू आस्क, गर्ल्स आर वेरी स्पेसिफिक कि अपने से छोटा नहीं चाहिए, ऐसा रीजन ही है, मुझे बाकी को नहीं पता। बिकॉज़ आई एम द टॉल पर्सन इन एवरी फकिंग थिंग। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? कौन सा कोई अमरूद तोड़वा रहा है? मुझे किसी और से तोड़वाना है अमरूद अपना। अच्छा, किसी और से अपना अमरूद? दैट साउंडेड वेरी चीप कि किसी और से अपना अमरूद तोड़वाना, बट आई गॉट इट। आम चाहिए, मैं क्यों तोड़ सकता? अकेले कोई मिल जाएगा तोड़ेगा ना। व्हाट काइंड ऑफ गाय वुड यू प्रेफर, विद मनी और विद मसल? फिजिक अच्छी होनी चाहिए यार, पैसे मेरे पास हैं। मनी? माय फैमिली वोंट सेंड मी टू अ पर्सन हु डजंट हैव मनी। कुछ भी नहीं, दिमाग होनी चाहिए। रीजन व्हाई वी डोंट प्रेफर गाइस विद मसल्स, बिकॉज़ दे विल कीप हिटिंग ऑन अदर गर्ल्स। अच्छा, मतलब चूज करना पड़ेगा दोनों ही? मतलब दोनों ही नहीं चाहिए? मतलब आई वांट कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, एंड गाय वुड से कि क्या अमीर बंदी है ना, बट ऐसा कुछ नहीं है मेरे को, दोनों ही ऐसा कुछ ऐसा क्रेज नहीं है। मनी? Why is that? स्टेबल रहता है, आई मीन बाद में कोई भी दिक्कत आती है तो फाइनेंशियली, हाँ कभी मेरी जॉब चली गई तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रहती है। Makes sense, a good point. I don't like muscles. So money? Yeah, I'll go with money obviously. Money can buy me food, yeah. The guy with muscle, they don't eat, man. Guy with muscles will eat more, yeah. No man, they're very specific about what they put in their body. Obviously, but that's good. I don't want that. You don't want that? You want the guy to also eat? Yeah. Guy with muscle. I have money. I don't know. ये पैसे की चौड़ है। नहीं, muscle is like I am a boxer myself. So मुझे पहले बताते, मैं दूर से बात करता। अच्छा, you're a boxer yourself? No, no, I am learning boxing and I'm on the verge of becoming a boxer. So. Muscles, I'm not that much into, so money will be the preference. But any particular reason for money? देखो, अपने ख्वाहिशें पूरे करने के लिए you need money. Obviously you need money. Money होगी तो muscle भी आ ही जाएगा। ये बात तो है। Protein खाओगे, gym trainer रखोगे तो muscle आ जाएगा। Very true. And every girl who asks for money is not a gold digger, guys. So don't judge girls. अगर आपको ऑप्शन दी जाए दो लड़कों की, तो आप किस टाइप का लड़का चूज करोगे? इंट्रोवर्ट की एक्सट्रोवर्ट, और क्यों? सही बोलूं तो मुझे सिर्फ अकलमंद लड़के पसंद है। एक्सट्रोवर्ट बिकॉज़ आई एम एन इंट्रोवर्ट। आप इंट्रोवर्ट हो? यस। अच्छा, लगते तो आप बड़े बातू नहीं हो। मिक्सचर होना चाहिए। एक्सट्रीमली शाय भी अच्छा नहीं लगता है, और एक्सट्रीमली बकचोद भी अच्छा। एग्जैक्टली, मिक्सचर चाहिए। मतलब ही शुड एक्ट अकॉर्डिंग। एक्सट्रोवर्ट क्यों? आई एम एक्सट्रोवर्ट एंड आई फील लाइक इफ आई एम, या अच्छा, बिकॉज़ आई फील एज इफ आई एम टॉकिंग द पर्सन नीड्स टू रिस्पोंड टू इट। लड़कियों को होता है कि मैं बोलती रहती हूं, तू चुप रह, इसे उल्टा है कि वो भी बोले तुम भी बोलो। या आई लाइक गाइस हु आर एक्सट्रोवर्ट अ लिटिल। या तुम तो इतना बोलती हो, उसको बोलने कहां दोगी बेचारे को? शुभम, आपको बोलने दे रही हूं ना यार, ये तो मेरी मां है यार। एक्सट्रोवर्ट बिकॉज़ आई एम एन इंट्रोवर्ट। अच्छा, ये बेचारी तभी दोस्त बनी है, ये सुनती होगी। मैं हूं आपकी, मेरी किस्मत फूट गई मेरी बहन। एक बच्चा इतना चुप है, एक बच्चा चुप ही नहीं होता। Extrovert. क्यों? क्योंकि मैं भी बड़ी बड़ी बोली हूँ। No, because, yeah, that's true. That's good. पता चल गया मेरे को। मैं भी हूँ। पता चल गया। हाँ। बच्चों लोग मिल ही जाते हैं। So, yeah, I talk a lot, so obviously I would want someone, you know, to listen and, you know, interact. कई लड़कियों को होता है ना, मैं ही मैं बोलूंगी तू सुन। नहीं।
ये है लड़की असली, ऐसी बकचोदी लड़कियां लड़कों को चाहिए होती हैं एक्चुअली। एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट? व्हाई इज दैट? एग्जैक्टली ना, हम किससे बात करेंगे अगर वो कुछ बोलने का शौक है? हां, मुझे सबसे उससे ज्यादा बोलने का शौक है इनफैक्ट। हां, मुझे लगा मैं ही सबसे बड़ा बकचोदी, मुझसे बड़ी मिल गई है मेरे को। इंट्रोवर्ट बाकियों के सामने, एक्सट्रोवर्ट मेरे सामने। ओह, ये अच्छा कॉम्बिनेशन। मतलब बाकियों के सामने चुप रहे और तुम बोलती रहो, और अंदर जब हमारे साथ हो तो एक्सट्रोवर्ट, ऐसा मतलब इसका लॉजिक क्या है? आई नीड अटेंशन आई गेस। अच्छा, बाकियों के सामने ना बोले वो तो लोग उसे कहेंगे ना, तो बोलता ही नहीं है तेरे डर से। दैट आई विल मैनेज, दैट इज ओके फॉर यू, बट मेरे सामने बोले। वाह, अ गाय हु इज गुड इन लुक्स और गुड इन ह्यूमर। ह्यूमर, बट इज इफ समवन इज गुड इन ह्यूमर तो वो ऑटोमेटिकली पसंद आ ही जाता है। ह्यूमर मैटर्स, ह्यूमर मैटर्स, मिक्स नहीं होंगी अच्छी चलेगा। हाँ, लाइक एवरेज इज फाइन विद मी। ह्यूमर क्यों, लुक्स मैटर नहीं है? लुक्स मैटर करता है, बट एवरेज चलेगा। सेंस ऑफ ह्यूमर मैटर्स। लुक्स नहीं, लुक्स है नहीं उसके पास बिल्कुल भी। नो, नहीं हंसाने वाला चाहिए। हां, सेंस ऑफ ह्यूमर। फनी क्यों? बिकॉज़ आई एम, यू आर फनी, सो तुम तो हो ही ना, तो बस मेरे को चाहिए ना। लुक्स नहीं इतनी इंपॉर्टेंट, नहीं ह्यूमर। लुक्स मैटर नहीं करती इतनी? नहीं, लॉन्ग रन में नहीं करती, शॉर्ट रन में करती है, सीपी और घूमने के लिए, वैसे नहीं करती। सीपी वगैरह घूमने के, बट ऐसे हंसाने वाला ही चाहिए। हां, गुड इन ह्यूमर। गुड इन ह्यूमर, यस, एनी डे। लुक्स अच्छी नहीं है बट चलेगा। बट चलेगा, चलेगा। क्यों? अगेन एंटरटेनमेंट होता रहेगा, आई डोंट वांट टू टेक एफर्ट्स। आई थिंक विद द ह्यूमर। क्यों? आई थिंक यू शुड स्माइल मोर देन यू नो, लुक्स तो ठीक है आते जाते रहते हैं, बट कभी आते हैं कभी जाते हैं, बट हंसना तो जिंदगी भर है। सही बात है, उसके साथ रहना है तो हंसते हुए रहो ना। वेरी डीप। हाँ करीमा, तुम्हारी बातें, तुम्हारी आंखें जितनी गहरी उतनी तुमने डीप बात कही है। क्योंकि खूबसूरती तो ढल जाएगी, पर्सनालिटी सदा बहार रहती है, एंड ह्यूमर तो ऑब्वियसली सुबह मजाता रहता है। हाँ, he is very funny and he is good looking. Good looking. He is पे रुके थे तो? नहीं, he is पे रुके थे तो? हाँ, and he is good. No, I was trying not to interrupt you. A guy who's good in bed or a guy who's good in love? Good in love. Good in bed नहीं चाहिए? For me to spend life, love is more important. Good in bed. Good in romance? Romance है, like अब जरूरी नहीं है ना romance, मतलब it happens apparently. अगर humor है, I need entertainment. Romantic is pretty boring. Good in love. Good in bed नहीं है बटू? हाँ, कोई problem नहीं है. कोई problem नहीं. प्यार में होने चाहिए। क्यों? प्यार नहीं मिलता ना सब जगह, वो तो मिल जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ये मतलब ये तो आप ऐसे बोल रहे हो, मुझे राइट आई पसंद है, लेफ्ट आई पसंद है। ओए, बड़ा राइट आई लेफ्ट आई करा, बट एक ऑप्शन ये फंसा रहे हैं ना हम लोगों को। प्यार। झूठ, काफी झूठ आंसर है, बोल ऐसे रहे हो तुम। प्यार, 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 मोहब्बत। व्हाई इज दैट? प्यार नहीं चाहिए तुम्हें? यार देख लेंगे यार। प्यार देख लोगे? प्यार मतलब माँ बाप दे देंगे यार। वो प्यार अलग होता है ना? नहीं यार, नहीं, मैं उसमें चला लेगी। गुड इन बेड इज इंपॉर्टेंट। लव। लव? व्हाई इज दैट? बिकॉज़ उससे अंडरस्टैंडिंग होगी। उससे अंडरस्टैंडिंग होगी ना ऑब्वियसली। हां, तो आई नीड अंडरस्टैंडिंग, मुझे कोई दिक्कत, कोई लड़ाई नहीं चाहिए। अगर बेड में अच्छा नहीं भी तो कोई समझ, तो बाहर हो जाएगा। ऑप्शंस तो है, अंडरस्टैंडिंग होगा ना, फिर वो अंडरस्टैंडिंग होगा। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूं। आप, व्हाट यू नीड टू सरवाइव इज लव। नहीं, व्हाट यू नीड टू सरवाइव इज आल्सो गुड इन बेड आल्सो। बच्चे आगे कैसे होंगे? अरे बच्चे बेड में अच्छा है ही नहीं फिर वो, ऐसा थोड़ी है एकदम ही खराब। मत खराब है ना, ए लल्ला ये सोचो। नहीं ठीक है यार, सेक्स तो हम ठीक है बाहर कर लेंगे। हां वो ठीक है, दैट्स ओके फाइन, पर यार तुम्हें देख के एक प्यार वाली फीलिंग देगा वो। सेक्स तो ठीक है, आता जाएगा, ठीक है कर लेंगे, प्यार करना बहुत जरूरी है। आई एम श्योर ये वीडियो देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि लड़कियों को किस तरीके के लड़के पसंद है, गुड इन बेड या फिर गुड इन लव। अगर आप गुड इन लव नहीं हो तो फिर भी चलता है, बट अगर गुड इन बेड नहीं हो तो दिक्कत हो सकती है। वैसे मार्केट में शीला जी आती है, ले लेना। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, ये बेल नोटिफिकेशन दबाना और ऑल का ऑप्शन ज़रूर क्लिक करना, इससे आपको नोटिफिकेशंस क्लियर और अपनी ईमेल पे भी आएंगे। बाकी जो करना है करो, मज़े करो, एंजॉय करो, वीडियोस लाइक करते रहो, अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, ख़त्म। हाय गरिमा। I'm Siddharth. Hi Siddharth. How are you? Having a good day? Pretty much yes. Pretty much yes. Let's make it better then. Akshata. Pranjal. Pranjan. Pranjal. 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 What does that mean? Honesty. Oh, chalo fir to bade sachche jawab milenge. Ya to extrovert ya introvert aur kyun? Thand lag gayi ladki ko mera sawal sunke.
क्या पूछा तुझसे? तू कर क्या रहे तो बता। मैं अपने बाल सेट कर रहा हूं। देख रहे हो शूट के बीच में कैसे बाल सेट किए जाते हैं। देख अगर मेरे को ही लड़कियां नहीं देखेंगी। हाय कैसे हो? अरे ठीक है भाई। हाय गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं एक शूट कर रहा हूँ और हमारे को ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए हैं और हमारा दूसरा शूट है और ये हमारे DOP साहब जो सिर्फ और सिर्फ फ़ोन में लगे रहते हैं और बस इनको यही आता है खाना पीना। अभी भेलपुरी खाई है इन्होंने और हमें क्राउड अभी कम मिल रहा है फिर भी भाई साहब कह रहे हैं खमते और थोड़ी देर बाद ही थक जाते हैं। तो बताइए मैं क्या करूँ? मर जाऊँ? अभी है कोई वैसे? अभी तो नहीं है। आई थिंक ये देख के कोई अगर you know, तो अगर कोई देख के आना चाहता है तो यू वांट टू शेयर योर इंस्टा आईडी? आई विल नॉट शेयर बट यू कैन फाइंड मी इफ यू कैन ट्राई देन फाइंड मी यू नो माय नेम। तो गरिमा सर्च कर लो और जितनी भी गरिमाएं मिलती हैं गरिमा क्या सर्च करे बंदा आगे कुछ हिंट तो दो। देखो गरिमा मैं दिल्ली से हूं। गरिमा अब ना लड़के शुरू हो जाएंगे गरिमा दिल्ली गरिमा वेयरिंग ब्लैक टॉप गरिमा वेयरिंग ब्लैक मास्क। हम लड़के इतने टर्की होते हैं ना वो सबको। तो गरिमा दिल्ली से है सर्च कर लो इंस्टा फेसबुक अगर मिलती है। आईडी हम नहीं बता रहे अगर ढूंढना है ढूंढ लो। एक्चुअली ना मेरे को टेक ओवर कर रही है और मेरी फेम खा रही है ये मैं बोलने वाला था। अच्छा चलो छोड़ आई गॉट इट थोड़ा कैमरे तो बट व्हाई यू नॉट कैमरा फ्रेंडली देन यू शुड यार लुक माय बेस्ट राइट नाउ। ओके हु सेड दैट? यू आर लुकिंग क्वाइट गुड। थैंक यू बट हम लड़का कॉम्प्लीमेंट दे रहा है लो उसको। व्हाट इज दैट यार? मैं बोल लूं मेरा चैनल मैं बोल लूं तुम चैनल एक काम करो भाई इसे दे दो मैं छोड़ देता हूं अपना चैनल 2 लाख सब्सक्राइबर वाला। ओके वन गाय सुन लिया मैंने सेंस ऑफ ह्यूमर लुक सही मतलब हार्दिक इज गुड फनी हार्दिक इज गुड लुकिंग ही इज क्यूट आल्सो दैट्स ऑन द पॉइंट। द पॉइंट इज मैं तो मजाक कर रहा था यार। क्या हो गया तुम तो गुस्सा खा जाती हो? आई एम ट्राइंग टू बी फ्रेंडली विद यू यार तुम तो गुस्सा खा जाती हो यार। अरे नहीं यार मास्क है यार आई एम वेरी फ्रेंडली यार लग नहीं रहा तुम्हारी बातों से। सॉरी यार ठीक है द पॉइंट इज फनी Yeah, और मैं तो फनी हो भी रहा हूँ तुम्हारे yeah, फिर भी तुम गुस्सा कर रहे हो। I'm funny really क्यों? Funny क्यों? Apology. अरे मजाक करो करे थोड़ा मैम कैमरे की तरफ मुड़ जाए खड़े नहीं होना कैमरे की तरफ मुड़ना है मैं ऐसे उस पे खड़े हो जाए काम करो है ना दूर हो जाओगे नहीं इधर आओ पंजाबी हो ना सरदार नहीं सरदार समझ गया था ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन नो नो नॉट दिस गलत जगह देखो भाई मैं इंजीनियर हूँ मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती मुझे बताओ MB word का मतलब क्या? बहुत चलाक लड़की है ये चलाक समझदार है विटी विटी है बकचोदी चाहिए इस लड़के और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में इसको कुछ नहीं चाहिए। बकचोद लड़कियां मिलती है ना मुझे बहुत मजा आता है आई लव दैट। मेरा सवाल ही भूल गया मैं इतना बोलती है लड़की और ये कह रही थी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कैमरा पे। देखो I'm not looking at the camera, no? Oh. I'm looking at my sister and you, so... I told you I make people comfortable. बहन तुम्हारी घर में भी इतना बोलती है वैसे? बहुत, बहुत। इधर आओ नेहा तुम जरा। हाँ परेशान तो बहुत करती है वो मुझे ही कर दिया उसने। एक बात बताओ, एक बात तुम्हें हर चॉइस इज हर चॉइस तेरे हिसाब से बेकार है। नेहा धूपिया मत बनो मेरे साथ। इट्स हर चॉइस सुन मेरी बात। ऐसा लग रहा है कि मैं बड़े पुराने मिले हैं और हमें अपना व्लॉग शुरू कर दिया है। वी कैन कट अ होल वीडियो अराउंड दीस टू गर्ल्स। फ्लैश ऑफ कर भाई। अगर आप गुड इन बेड नहीं हो तो फिर दिक्कत की बात है क्योंकि लड़कियों को वो पसंद नहीं है। बाकी जो करना है करो एक और टेक लेंगे। गुड इन बेड हो या गुड इन लव अगर गुड इन बेड हो तो ठीक है नहीं हो तो शीला जीत आती है और माँ चलो। वाह भाई वाह वाह भाई वाह। आई एम श्योर ये वीडियो देख के आप लोग समझ गए हो गए कि लड़कियों को किस तरीके क्या चाह रहा है यार। मैं जो हम शूट कर रहे हैं तो मजे ले रहे हैं। चल 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 मेरा कैमरा मैन ही काम नहीं करना चाहता भाई। अरे बाय तो करो बाय नहीं कर रहे भैया मैं बाय कर रहा हूँ आपको। अरे मजाक कर रहा हूँ चलो।